के द्वारा सुन करके हमको भी एक दफे स्कूल के बच्चों के साथ हम भी चले गए। एक दफे बाबा जी हमसे बोले तुम इधर आओ, यूं किया उन्होंने, इशारा किया तो मैं गया। मैं पहले डर जैसा गया था तो हमसे बोले तुम मेरे यहाँ रहेगा। मेरे मुझे पता नहीं क्यों ऐसे निकल गया, जबकि मैं अपनी माँ को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था। मेरे गांव में अगर रिश्तेदारी में कहीं शादी वगैरह में भी जाना होता था, मेरी माँ मुझे नहीं भेजती थी, उसका इतना स्नेह था हमसे, और मैं सबसे छोटा बच्चा था। और पता नहीं उस दिन क्या जो हुआ, मैंने कह दिया हाँ मैं रहूँगा। उसमें यही रहूंगी, 12-13 साल की होगी। दीद माँ में पता नहीं क्या हुआ, हम वहां से उनके साथ चले गए। फिर हम सवेरे करीब सूर्योदय नहीं हुआ था, हम वृंदावन पहुंच गए। धीरे धीरे फिर हमने पुजारी का व्रत करना शुरू कर दिया महाराज जी के कहने पे। तो वो मंदिर बनाया था एक आनंद राम मंगतू राम, जयपुरिया थे, जयपुर के रहने वाले, उन्होंने बनवाया था मंदिर महाराज जी के आदेशानुसार। उसने तो मंदिर बनवा करके महाराज जी को अर्पण कर दिया, बोर्ड जरूर लगा रखा था उसने अपना कि ये मंदिर फलाने 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 ने बना रखा है। तो वो जयपुरिया आए, मैं अंदर रामायण पढ़ रहा था, उसके साथ भी कई लोग आए थे उसके परिवार के, हमसे बोला ए लड़के इधर आओ। मैं हो गया, मैंने कहा लड़के करके कौन बुला रहा मुझे, सब लोग पंडित जी या पुजारी जी करके संबोधित करते थे। बोले तुमको किसने रखा, मैंने कहा महाराज जी ने रखा। बोले तुम तो ठाकुर हो, मैंने कहा हाँ। अब तुम तो कुछ जानते नहीं हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं। अब मैंने कहा जो हूँ सो हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, नहीं आपको उत्तर दे पाऊंगा, मुझे महाराज जी ने रखा है बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतनी मेरी उसकी बात विवाद हो ही रही थी कि पीछे से आवाज आई जयपुरिया इधर आओ। पीछे से महाराज जी आए, महाराज जी इतनी तेजी से आ रहे थे, मैं समझा एक तो ये बिगड़ रहा है और मुझे लगता है महाराज जी भी बिगड़ेंगे मुझे। तब तक महाराज जी के साथ साथ इतनी गाड़ियां आ गईं कि वो भी सब भर 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 करके महाराज जी का पहले कमरा जो बना था, बड़ी तस्वीर लगी है वहां तख्त पे, तो कमरे में जो महाराज जी गए और गुस्से में थे, जब तक मुझे बुलवाया अब मैं और डर गया। मैं वहां जब गया मैंने देखा तो पूरा कमरा भरा भर गया। हमसे बोले इधर आओ, महाराज जी बोले। मैं नीचे बैठा, हाँ जयपुरिया क्या पूछ रहे थे इससे। उन्होंने कहा महाराज मैं यही पूछ रहा था, मैंने इतना बढ़िया मंदिर बनाया और यहाँ कोई विद्वान पंडित होता पुजारी, और इससे मैंने पूछा ये तो ठाकुर है सुना है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे तुम क्या जानो, ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, अरे तुम क्या जानो, तो इसके पास डिग्री नहीं है बस। डिग्री कौन सी, मीरा बाई के पास क्या डिग्री थी, कबीरदास जी के पास क्या डिग्री थी, तुलसीदास जी के पास। एक सांस में उन्होंने कई साधु संतों के नाम ले लिए। वो महाराज जी का शरीर तमतमा करके लाल हो रहा था एकदम, और इतना क्रोधित हो गए उसके ऊपर, तोड़ दो अपना मंदिर साले, हमारे पास 50 लोग हैं मंदिर बनाने वाले, बोर्ड हटा दो यहाँ से वहां तक, बोर्ड लगा रखे तुमने और ये मंदिर को तोड़वा दो अपना, तुमको इतना अहंकार अपने पैसे का। बोले क्या सुनना चाहता है इससे, बहुत बड़ा विद्वान है ये, तुम नहीं जानते इसको। तो वो भी अहंकार में चूर था, उसने कहा महाराज जी गीता सुना देंगे। हाँ गीता सुना देगा, कौन सा अध्याय सुनना चाहता है। उन्होंने कहा 11वां अध्याय सुना देगा ये। तो मैं महाराज यहाँ बैठे थे, मैं नीचे बैठा था, तो मेरा तो जब जब वो बात हो मेरे उसी लय में तेरा शरीर कांपे, मैंने डर लगे मुझे। तो महाराज जी ने एक दफे ऐसा कुछ किया कि यूं जैसे पैर बदला और वैसे कम्बल मेरे ऊपर ढकते हुए अंगूठे से मेरे यहाँ पर टच कर दिया, और फिर मैं बिल्कुल ऐसा बेहोश हो गया कि मुझे कोई फिर होश नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा, आभास हो रहा था कि हाँ मेरे कंठ से आवाज आ रही है गीता के श्लोक, और इस प्रकार की आवाज, इतनी शुद्ध आवाज मुझे सुनाई दे रहे थे वो, लेकिन मुझे और होश नहीं हो रहा था। पूरा कमरे में सन्नाटा हो गया, जितने भी लोग बैठे थे, तब तक देवपुरिया बिल्कुल रोने लग गया और महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि इनसे माफी मांगो, इसका तुमने अपमान किया है, इनसे माफी मांगो। तो इतना बड़ा आदमी वो शेर आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया करके उनके आगे लगता था, उसने हमारे पैरों पर सर रखा।
गीता तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, रामायण और हनुमान चालीसा बस, गीता हमने कभी हुई भी नहीं थी पढ़ने के नाम। तब से फिर हम वहाँ पुजारी नियुक्त हुए। हर कंजर बस्तर अभरन कीने, उड़ी नी उड़ी नी।